A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English conversation of class 4th, and today I am with topic regular exercise chapter 10. Okay, it is chapter 10 of your book, and what is the topic? Regular exercise. You all know now what is exercise. We all have to do exercise regularly. It is very good for our health. It is very good for our health. Okay? Exercise जो होता है वो हमारे health के लिए बहुत क्या होता है, अच्छा होता है ना. And it is very necessary to do it. और ये इसको ऐसा करना बहुत क्या होता है, necessary होता है. In school, you all do PT ना. You all do. स्कूल में भी आप लोग पीटी करते हो ना, और जो प्रॉपर आप वॉकिंग करते हो, ते बैठते हो, इट्स आल्सो एक्सरसाइज. ओके ना, जो हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, वॉक करते हैं, इट इज़ आल्सो एक्सरसाइज. लेकिन रेगुलर रूटीन पे, इन अ रेगुलर रूटीन, इट्स वेरी नेसेसरी टू डू एक्सरसाइज. ओके, फॉर आवर गुड हेल्थ. तो लेट्स डिस्कस about regular exercise. Now you all open page number 42. Page number 42. What is the topic? Regular exercise, yani niyamit abhyas. Okay, there is father and his son's name is Aman. Okay, let's read now. पापा, वेक अप अमन. अमन, उठ जाओ. अमन, व्हाट्स द मैटर पापा? प्लीज लेट मी स्लीप, इट इज़ संडे टुडे. व्हाट इज़ द मैटर पापा? पापा, क्या हुआ? प्लीज मुझे सोने दीजिए, इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है. पापा, नो अमन, यू हैव हैड इनफ स्लीप, नाउ वेक अप. पापा ने क्या कहा? नो अमन, नहीं अमन, यू हैव हैड इनफ स्लीप, तुम काफ़ी सो चुके, अब उठ जाओ. अमन, ओके पापा. पापा, अमन यू शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग. पापा, व्हाट इज़ पापा सेइंग? पापा क्या कह रहे हैं? अमन, यू शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज. अमन, तुम्हें सुबह उठकर डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए. अमन, कल्टीवेट क्या होती है? कल्टीवेट द हैबिट ऑफ, कह रहे हैं कि तुम्हें रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए. अमन, बट वाई पापा? अमन क्वेश्चन कर रहा है, क्यों पापा? पापा, सन, एक्सरसाइज इज एन एसेंशियल एज द साउंड स्लीप. बेटा कह रहा है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा, उसके फादर कह रहे हैं एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सोना ज़रूरी है उसी तरह एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है. अमन, पापा, वी डू पीटी इन स्कूल, देन व्हाट्स द नीड ऑफ टेकिंग मोर एक्सरसाइज. अमन कह रहा है, पापा हम लोग स्कूल में पीटी करते हैं, तो हम लोगों को इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है? पापा, आई नो, पापा इज सेइंग नाउ, आई नो अमन, बट पीटी इज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम. आई नो अमन, मैं जानता हूँ, लेकिन जो पीटी है वो तुम्हारे करिकुलम का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है तुम्हारे स्कूल में ना. डू यू नो देयर इज़ नो इजियर एक्सरसाइज दैन दैट अ जॉगिंग. पापा कह रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जॉगिंग से आसान कोई भी एक्सरसाइज नहीं है. लोग मॉर्निंग में बेटा जाते हैं ना जॉगिंग करने के लिए, बहुत फास्ट चलते हैं मॉर्निंग में, उसको क्या बोलते हैं? जॉगिंग. लोग ट्रैक बना होता है ना, ट्रैक पे लोग जॉगिंग करते हैं ना. तो क्या कह रहे हैं कि अमन, बट पापा आई एम अ चाइल्ड, सो व्हाट्स द नीड टू ऑफ एक्सरसाइज फॉर मी. अमन क्वेश्चन कह रहा है, अपने फादर को क्वेश्चन कर रहा है कि पापा मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या नीड है? पापा, बाय एक्सरसाइजिंग अवर बॉडी, आर बॉडी रिमेन्स हेल्दी एंड एक्टिव,
वी स्टे फिट एंड डू नॉट गेट एबीज। क्या कह रहा है? ओबेज। ओके, बाय एक्सरसाइज आर बॉडी रिमेन्स हेल्दी एंड एक्टिव। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी क्या होती है? हेल्दी होती है और एक्टिव होने फुर्तीली होती है। वी स्टे फिट एंड डू नॉट गेट ओबेज। और हम फिट रहते हैं और हमारे में मोटापा यानी चर्बी जो होते हैं, चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें मोटापा नहीं चढ़ता। अमन, व्हाट विल हैपन इफ वी ग्रो ओबेज? कह रहा है, अमन पूछ रहा है कि क्या होगा अगर हम मोटे हो गए पापा? इट मे लीड टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियक डिसीज, डायबिटीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एट्सेट्रा। कह रहा है बेटा, अगर हम मोटे हो गए, उसके फादर बता रहे हैं, इससे हमें बहुत सारे डिसीज़ होने का खतरा रहता है, ठीक है ना? कार्डियक डिसीज़ बने, हार्ट डिसीज़ जो होता है, हार्ट के रोग को बोलते हैं कार्डियक डिसीज़, डायबिटीज़ ना शुगर बोलते हैं हम लोग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम सांस की समस्या, ऐसी प्रॉब्लम मोटापा से होती है। अमन इज सेइंग नाउ, बट आई डू नॉट ईट टू मच सो आई वॉन्ट गेट फैट। अमन कह रहे हैं कि लेकिन मैं तो बहुत अधिक नहीं खाता हूँ, सो आई वॉन्ट गेट फैट, लेकिन तो मैं मोटा नहीं होऊंगा पापा। यू आर राइट अमन, बट एक्सरसाइज इज़ यूजफुल नॉट ओनली टू प्रिवेंट ओबेसिटी बट ऑल्सो टू रिमूव टू ऑक्सीटेंस फ्रॉम द बॉडी। पापा क्या कह रहे हैं कि बेटा, ये एक्सरसाइज सिर्फ मोटापा घटाने के लिए नहीं होता है, लेकिन जो हमारे बॉडी में टॉक्सिटेंट क्या होते हैं, विषैले पदार्थ, जो विषैली चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए भी काम आती हैं। अमन, पापा व्हाट आर द टॉक्सिटेंट? अमन पूछ रहा है, पापा टॉक्सिटेंट यानी विषैले पदार्थ क्या हैं? पापा, दीज आर द अनवांटेड सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच शुड बी रिमूव्ड। तो पापा बोल रहे हैं, ये हमारे बॉडी में अनवांटेड, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वैसे तत्व होते हैं जिन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो अमन बोलता है, ओके पापा आई हैव अंडरस्टूड। हाँ पापा, अमन कहता है, ओके पापा मैं समझ गया पापा। देन आई होप दैट यू विल टेक रेगुलर एक्सरसाइज। पापा कह रहे हैं, अब मुझे लगता है तुम रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। अमन, यस श्योर पापा आई विल। हाँ, मैं श्योर एक्सरसाइज करूँगा। ओके, इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ बेटा। एक्सरसाइज इज़ मस्ट थिंग, एक्सरसाइज मस्ट होती है। इसलिए एट प्रेजेंट यू ऑल आर एट होम एंड वेकअप एट मॉर्निंग। आप लोग सुबह मॉर्निंग में उठिए एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली। एंड व्हाट इज़ योर होमवर्क नाउ? योर होमवर्क इज़ दैट यू ऑल विल राइट 10 एक्सरसाइजेस। ओके, हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए ये आप लिखोगे, ठीक है? आप क्या क्या एक्सरसाइज करते हो या हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप करते हो या करनी चाहिए, ठीक है? तो आप लिखोगे हमें क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए और इससे क्या बेनिफिट है। ओके, दैट इज़ योर टॉपिक। ओके, आप हेडिंग डालोगे रेगुलर एक्सरसाइज, आपके हमें क्या एक्सरसाइज करना चाहिए और एक्सरसाइज से हमें क्या बेनिफिट है, ये आप लिखोगे। ओके, हैव अ गुड डे।